हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालिनीज मिराकी। और मैं हूँ शालिनी। होप गाइज आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे और फेस्टिवल की तैयारी में लगे हुए होंगे। सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि फेस्टिवल मेकअप, पार्टी मेकअप हम किस तरीके से कर सकते हैं, घर में बहुत ही आसानी से हम किस तरीके से कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी और अफोर्डेबल होने वाला है गाइज। सो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊँगी किस तरीके से आप ये लुक अचीव कर सकते हो। ये लुक आप देख सकते हो गाइज, बहुत ही ईजी है, बट साथ ही ये इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना प्रिटी लग रहा है, आप ग्लो देख सकते हो फेस। एंड गाइस साथ ही ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज जो सबसे पहला स्टेप आता है ना हमारे फेस को प्रेप करने का, तो मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया है, आप भी बिल्कुल ऐसा ही करना। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर के लिए ना एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, अगर आप नॉर्मल डे में लगा रहे हो या फिर आप 3-4 घंटे के लिए लगा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्टे करता है आपके मेकअप को, आपके फाउंडेशन को। यहाँ पे मैं ले रही हूँ फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन। ये इतना लाइट वेटेड है ना गाइज कि आपके फेस पे बहुत ही ईजिली ग्लाइड हो जाता है। आपको ना कोई भी ब्रश की जरूरत नहीं है, कोई भी स्पंज की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल ये स्किन की तरह लगता है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि केकी हो जाएगा या फिर कैसा अजीब सा, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है अगर आप लाइट टू मीडियम कवरेज देख रहे हो ना उसके लिए। उसके बाद हम आते हैं कंसीलर की तरफ। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ADS की कंसीलर स्टिक, जिसको मैंने अपने आईलिड पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है, अंडर आई पे भी अप्लाई किया है। उसके बाद जो हाई पॉइंट्स है ना, जैसे सेंटर ऑफ द नोज, अपने फॉरहेड पे, चिन पे, इसको अच्छे तरीके से लगा के और ब्लेंड भी कर लूंगी। ब्लेंड करना भी बहुत ज्यादा आसान है। वैसे भी कंसीलर जो होता है ना गाइज, वो थोड़ा सा थिक होता है कंसिस्टेंसी में, तो आप या तो फिंगर से भी कर सकते हो या फिर आप ब्रश की हेल्प से। मैं यहाँ ब्रश से कर रही हूँ। और गाइज मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस है ना, अगर आपकी आप अपनी स्किन केयर बहुत अच्छे से करते हो, आपकी स्किन बहुत हेल्दी है ना, तो आपकी मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लगती है, बहुत ही नेचुरल लगती है। तो आपको अपने स्किन केयर पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट से सब कुछ सेट कर लिया है बिकॉज क्रीज होने का चांस होता है कंसीलर का। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। तो आई मेकअप बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ ब्राउन शेड और इसको पूरे अपने क्रीज एरिया में ना अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी, आपने देखा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लैक शेड आई शेडो पैलेट में से, MUA का आई शेडो पैलेट है, येस। एंड उसके बाद एक फ्लफी पेंसिल ब्रश के हेल्प से आउटर कॉर्नर में सिर्फ लगाया है हाफ ऑफ द लिड पे। आप ऐसा ही करना, हल्का सा ना डेप्थ आता है, अच्छा लगता है, स्मोकी काइंड ऑफ लुक आता है। उसके बाद बस उस टाइप आप उसको ना अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लोगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ में ना कंसीलर को फिर से किया, लाइक कट क्रीज काइंड ऑफ आप देख सकते हो, ताकि जब हम कोई भी कलर लगाए ना तो वो पॉप आउट बहुत ही अच्छे तरीके से हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक शिमरी शेड, पिंक कलर का है, फूशिया पिंक। आप चाहो तो कोई भी कलर ले सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन लाइक आप कौन सा कलर मैच करना चाहते हो। मैं यहाँ पे पिंक साड़ी पहन रही हूँ, दैट्स वाई। और उसको जितने दूर में हमने कंसीलर लगाया था ना हाफ ऑफ द आईलिड पे, अच्छे तरीके से उसको लगा दिया। अपने लोअर लैश लाइन को भी ब्राउन शेड की हेल्प से हाफ तक उसको लगाऊंगी। एंड उसके बाद वहाँ पे इनर कॉर्नर के साइड में उसी पिंक शेड से मैं हाईलाइट कर दूंगी। तो आपकी आंखें ना बहुत ही पॉप आउट लगती हैं, बहुत ही मैच लगती हैं। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ब्लू हेवन का पेन लाइनर। ये बहुत ही अफोर्डेबल है गाइज, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये अंडर 100 रुपीज़ है, तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा है। और आईलाइनर सिर्फ अपर लैश लाइन में लगाऊंगी और दोनों आँखों को आप देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम आते हैं कॉन्टोरिंग की तरफ। तो कॉन्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिक्विड कॉन्टोर स्टिक का इस्तेमाल किया है, ब्राउन शेड, और जहाँ जहाँ हम कॉन्टोर करते हैं वहाँ पे मैंने इसे अप्लाई करके और ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा लुक आता है इससे, आपका फेस ना डिफाइन होता है। उसे भी हम ब्रश की हेल्प से ना अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे, ताकि ये भी बहुत ही फ्लॉलेस लगे, कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। बिकॉज अगर हार्श लाइन होता ना गाइज, वो बहुत ही भद्दा सा लगता है, वो लगता है कि आपने अलग से कुछ लगाया है या कोई शेडो सा इल्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो आपको ब्लेंड करना बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी आपने क्रीम कॉन्टोर यूज़ किया है ना, वहाँ पे आप पाउडर कॉन्टोर ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज क्रीम प्रोडक्ट के साथ आपको पाउडर से उसको सेट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज क्रीम प्रोडक्ट क्रीज होता है, तो उससे बचने के लिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट हम आते हैं अपने आईब्रोज की तरफ। तो सबसे पहले स्पूली की हेल्प से मैंने अपने आईब्रोज को ब्रश कर लिया है, कोम कर लिया है, एंड देन यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन आई शेडो को मिक्स करके एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसे फिल इन कर लूंगी और स्पूली की हेल्प से इसे ब्लेंड भी कर दूंगी। तो बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। और आईब्रोज करना बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइज, चाहे आप नॉर्मल मेकअप कर रहे हो या हैवी मेकअप कर रहे हो, बिकॉज इससे आपका पूरा का पूरा लुक ना इन्हांस हो जाता है। आईब्रोज को जरूर फिल करना। उसके बाद लैशेस के लिए मैं यहाँ पे आईलैश कर्नर यूज़ कर रही हूँ। ये आईलैश कर्नर ना मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल है। एंड उसके साथ ही बिकॉज मैं फॉल्स लैशेस यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो मस्कारा की ना दो तीन कोट बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरी लैसेज नेचुरली ही बहुत ही ब्यूटिफुल सी लगें, और लोअर और अपर लैश लाइन दोनों में अच्छे तरीके से मस्कारा का कोट हम कर देंगे। सो गाइज, मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता रही हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो टीनेजर मेरी फ्रेंड्स हैं ना, वो लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें और उनको फेस्टिवल में ना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट लिपस्टिक लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ बोंजोर पेरिस का, ये शेड मुझे याद नहीं है गाइज, बट ये मरूनिश ब्राउनिश शेड में है, बहुत ही प्यारा सा लुक लग रहा है। एंड साथ में मैं यूज़ करूँगी लिप ग्लॉस, बिकॉज आजकल ना ये वाला लुक बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। एंड हाईलाइटर के लिए मैं यहाँ पे ब्यूटी ग्लैच के आई शेडो पैलेट से ना एक शिमरी शेड लूंगी जो कि बहुत ही प्यारा है। इसके सारे शेड अच्छे हैं। अगर मैं कहूँ ना एक अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट और एक पैलेट अगर आपको लेना हो एक टीनेजर के लिए, बिगिनर्स के लिए, तो दिस इज द परफेक्ट, बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं लिंक दे दूंगी। एंड साथ में हाईलाइटर देख रहे हो गाइस, व्हाट अ ग्लो गाइस, इनसाइड ग्लो लग रहा है ये। एंड गाइज, मैंने यहाँ पे साड़ी वेयर करी है पिंक कलर की, फूशिया पिंक की, साथ में ये ब्लाउज नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये ना एक जंपसूट है जिसको मैंने एज अ ब्लाउज की तरह कैरी किया है, साथ में झुमके। ओ माय गॉड, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस झुमका गाइज, ये ना सदर बाजार से मैंने लिया था, अगर आप दिल्ली NCR में हो तो आपको पता होगा। साथ में मैंने यहाँ पे ब्लैक बिंदी लगाई है जो ओवरऑल लुक को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड आई एम डाइंग फॉर दिस लुक गाइज, बहुत ही प्यारा है इस लुक को ना गाइज। आप बहुत सारे पार्टी फेस्टिवल में आप इसे कैरी कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो, और अभी तो फेस्टिवल की लाइन लगने वाली है, तो आप इसे किसी भी तरीके से करो, ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है गाइज। होप गाइज आप सबको ये लुक ना बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगी होगी। सो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करना गाइज, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज किस चीज का वेट कर रहे हो गाइज, प्लीज आपकी एक सब्सक्राइब ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो Don't forget to hit the like button guys and also share it with your friends and families. Bye bye, love you.